कोरोना की वजह से लॉकडाउन की मार झेल रहे सिवान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल अगर इसी तरह सिवान में हालात सुधरते रहे तो 20 तारीख से लॉकडाउन में सिवान के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवान में डॉक्टरों की सेंट्रल रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाँच करने पहुँची है, जो ये तय करेगी कि सिवान रेड जोन में रहेगा या येलो जोन में रहेगा। क्या कुछ खास पाया और क्यों आया था? हम लोग रैपिड रिस्पांस टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से हम लोग यहाँ पर बिहार का मुआयना करने आए हैं। और सिवान क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट था, रेड जोन था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले चेक करने की ये चेक किया। बट हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है सिवान में। इस समय 29 में से सिर्फ 12 पेशेंट रह गए हैं, जो कि आज उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये आज नेगेटिव आ जाते हैं 24 घंटे बाद एक और बार रिपीट कर सकते हैं और हमारे पास लगभग 12 के 12 नेगेटिव हो जाएंगे, तो लगभग शायद एक पेशेंट रह जाता है इसके बाद। तो सिवान लगभग रेड जोन से ऑरेंज जोन में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि हम अभी और मुआयना करेंगे, कल हम गया जाने का प्लान है, उसके बाद में भी हमें मुंगेर भी कवर करना पड़ेगा। सर एक निर्देश भी आया होगा, अभी जो नया सिम्टम आया हुआ है विदाउट सिम्टम ही पता चल पा रहा है कि जिसके पास सिम्टम ही नहीं है उसको भी ये हो सकता है, इसके लिए सर क्या निर्देश आया हुआ है? COVID-19 जो बीमारी है उसमें 80% लोगों में बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या पता अस्पताल में भर्ती की जरूरत भी नहीं है। और जबकि 15-20% में उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 5% या 2% लोगों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों में हमें ज़्यादा ये वार्ड्स की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आईसीयू की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। बट जो 80% जिनको कम सिम्टम्स होते हैं उसमें कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ना बुखार भी नहीं आता और उनके अगर आप स्वैब लेंगे तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसे हैं पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, खेल रहे हैं। और अभी सरकार की तरफ से ये है कि सारे जो पॉजिटिव हैं, अगर ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, अगर हम इन्हें कहीं एडमिट ना करें, एडमिट मतलब कहीं अलग से ना रखें, तो ये और बीमारी फैलाते हैं। तो इस समय हम जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं एडमिट करें। सर अंदर आपने जाँच किया, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पाई है? व्यवस्था ठीक है, सारे मरीज कोई कंप्लेन नहीं है और मेरे ख्याल से बिकॉज पेशेंट ज़्यादा नहीं है और सारे ठीक हो रहे हैं तो ठीक चल रहा है। कुछ कमियां भी सर ट्रीटमेंट सेंटर पे दिखा दी? ट्रीटमेंट थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि पेशेंट पहले वहाँ पर एलोपैथिक अस्पताल में आता है, फिर आयुर्वेदिक में आ रहा है और सैम्पलिंग भी थोड़ा सा अलग जगह पे हो रही है, तो हमने इसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है। बड़ी लास्ट सैम्पलिंग है और अदरवाइज अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है और एवरीवन इज सेटिस्फाइड, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका परिचय बता दें। मैं डॉक्टर घनश्याम पांगती हूँ, मैं प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ और नई दिल्ली। थैंक यू।